बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ रखे खुश रखे। दोस्तों, ये मेरे गांव में फालसे का एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने तोड़ के रखा हुआ है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये हम बाग के अंदर आ गए हैं। ये जो आपको सबस सबस सा नज़र आ रहा है, ये मतलब कि जो दूसरा है उन्होंने तोड़ लिया जो पक्का हुआ है। ये अमूमन अब ज़्यादातर सबस सबस ही है, क्योंकि फालसे का रंग तो लाल होता है, बाद में ये लाल ही हो जाता है। अभी जो ये जो कच्चा है, ये बाद में पक्के सबस हो जाएगा। फिर कोई कोई दाना आपको नज़र आ भी रहा है, जैसे कि सामने वो लाल नज़र आ रहा है। ये भी सारा कच्चा ही है, इसमें भी पक्का दाना कोई नहीं। ये इलाका डिस्ट्रिक्ट ननकाना में और फालसे की प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि पंजाब के दूसरे इलाकों में से यूजली इधर से ही ये फालसा एक्सपोर्ट हम बेचते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा पका हुआ है। इसमें से हम अपने खाने के लिए भी कुछ तोड़ लेते हैं। पीछे तो हमें सारा कच्चा ही नज़र आया, इधर से हम अपने खाने के लिए कुछ तोड़ते हैं। अभी ये अपने खाने के लिए तोड़ रहे हैं हम फल। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को तकरीबन हर तरह के फल से ही नवाजा है। तकरीबन तकरीबन दुनिया का हर फल ही पाकिस्तान में पैदा होता है। सिर्फ चंद फल हैं जो जिनका अभी तक तजर्बा नहीं किया गया, बाकी तकरीबन हर तरह का फल पैदा होता है। और पंजाब का ये जो ये इलाका है जहाँ इस हम रहते हैं, वो भी अपने फलों की पैदावार के लिए बहुत मशहूर है।
दूसरी तरफ ये फालसे के साथ ही आम के दरख्त लगे हुए हैं। ये आम हमें अचार में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं इसे पंजाबी में लसूड़ा बोलते हैं, इसे भी अचार में इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों, तो फिर आज के व्लॉग का यहाँ पे अहतमाम करते हैं। जिन भाइयों को पसंद आया हो तो मज़ीद ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और जिनको नहीं पसंद आया वो मुझे मेरी मिस्टेक्स बता दें कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। अल्लाह हाफिज़।